किचन में आ गए हैं। आज बनेगी लंच में मशरूम की सब्जी। तो चलिए ये डाल लिए, एक कढ़ाई रख लिए गैस ऑन करके, और उसमें मस्टर्ड ऑयल डाल लिए 2 बड़े चम्मच। उसमें डालेंगे जीरा, जीरा जब अच्छी तरह से चटक जाए तो अब डालेंगे इसमें 1 बड़ी प्याज बारीक चॉप करी हुई, और ये लहसुन और सूखी मिर्च इसको पीस के इसकी बारीक चटनी बना लेते हैं। ये 8 से 10 लहसुन की कलियां और 3 सूखी मिर्च इसको बारीक चटनी बना लेंगे पीस। चलिए प्याज थोड़ा सा फ्राई होगी, ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब इसमें ये जो चटनी बन गई है इसको डाल लेते हैं। इसको अच्छी तरह भून लेंगे ताकि मसाले की और हल्दी की जो कच्ची महक है वो निकल जाए। चलिए मसाला अच्छी तरह भून गया है, तेल भी ऊपर आ गया। मशरूम को जिस तरीके से भी आपको काटना है आप काट लीजिए। मशरूम धोना तो मैं पहले अपने मेरा जो और एक रेसिपी वाला वीडियो है उसमें बता दी थी कि मशरूम किस तरह धोया जाता है। अब डाल लेंगे नमक, आधा नींबू का रस, आंच को धीमा कर देंगे। अब डालेंगे दो चम्मच टमाटो केचप, दो टेबल स्पून, ये टी स्पून है, 2 टेबल स्पून डालेंगे। चलिए अब देख लेते हैं, एकदम ठीक बन रहा है। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, और ये धनिया पत्ता। पकने देंगे मसाले के साथ और उसके बाद गैस कर देंगे बंद। चलिए हो गया बिल्कुल तैयार। फिर से जरा से धनिया पत्ती, और अब कर देंगे गैस को बंद। तो ये बन गई हमारी मज़ेदार सी चिल्ली गार्लिक मशरूम की सब्जी। तो आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिए, बनाइए और खा के बताइएगा कैसी लगी मेरी रेसिपी। इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। हमेशा खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए।